सिंगरौली के माड़ा में 65 वर्षीय मां और उसके 25 वर्षीय विकलांग बेटे की बीती रात कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्राम मुढ़ी में रहने वाले विकलांग रामरक्षा बियार और फूलमती बियार की अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी। स्थानीय लोग इस घटना से डरे सहमे हैं। यहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद है। खुलेआम दो लोगों की हत्या से कहीं न कहीं इस घटना में स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता सामने आई है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। FSL टीम व माड़ा थाना क्षेत्र के आसपास की पुलिस भी घटना की जांच कर रही है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक मुढ़ी गांव है, यहां से सुबेरे लगभग 9 बजे थाने में सूचना आई थी कि एक घर है बालकरण डीआर का, उसमें उनकी पत्नी जो जिसकी 60 साल की है लव देवी, और उनका लड़का जो विकलांग है जिसका नाम है राम रक्षा दिया है 28 वर्ष का, इन दोनों की बॉडी पड़ी हुई है और किसी धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई है। सूचना पर पुलिस बल और आसपास के थाना प्रबंधन अधिकारी वहाँ पे मौके पर पहुँचे और ये स्पॉट किया था, और जो स्पॉट देखा गया और डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। इससे दो आदमी का प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें मामले में विवेचना की जा रही है और इसमें कोई ज्ञात व्यक्ति ने अभी तक ये खुलासा नहीं कर पाया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।